नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गोमूत्र के बारे में, गोमूत्र के फायदे, गोमूत्र को शुद्ध कैसे करते हैं, उसे कैसे लेना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे समझे। देखिए, गोमूत्र को बहुत महत्व दिया गया है आयुर्वेद में, क्योंकि वो हमारे पचन में मदद करता है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक होता है, किडनी के पूरे फंक्शन के लिए मदद करता है, स्त्री स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो रजोदर्शन होता है तो उसका क्वालिटी जो है वो बढ़ाने में हमें गोमूत्र मदद करता है। उसी के साथ पेट में होने वाले जो कृमि होते हैं वो भी कम करने के लिए हमें गोमूत्र की मदद होती है। आयुर्वेद के हिसाब से तो गोमूत्र बाहर से भी यूज़ किया जाता है, मतलब जैसे अगर कुष्ठ वगैरह जैसी कोई स्किन की तकलीफ़ हो तो बाहर से परिषेक भी किया जाता है, पेट के अंदर तो गोमूत्र लेते ही हैं, पर अगर उधर रोग किसी प्रकार का हो तो बस्ती के रूप में भी गोमूत्र का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। पहला सवाल है, गोमूत्र कौन सा यूज़ करें? तो देशी गाय का गोमूत्र यूज़ करना सबसे अच्छा होता है, और किसी गाय का गोमूत्र जो अच्छा नहीं होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो गोमूत्र फ्रेश होगा तो उसका सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। फ्रेश गोमूत्र घर में लाने के बाद वो अच्छा है कि नहीं ये कैसे जाने? तो लाने के बाद उसको इस तरह के कांच के बर्तन में आप पहले निकाल लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का तंतु आपको दिख रहा हो या ये क्लियर ना हो गोमूत्र, तो समझिए कि गोमूत्र की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसे दिन का गोमूत्र हमें यूज़ नहीं करना है। पर अगर पीले कलर का और ऐसा क्लियर गोमूत्र हमें मिलता है तो वो गोमूत्र हमें यूज़ करने के लिए चल सकता है। गोमूत्र की शुद्धि के लिए घर पे कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, लगता है केवल एक इस तरह का कॉटन का कपड़ा, देखिए इस साइज़ का नियरली, और ये और गोमूत्र जिसमें रखा है वो बर्तन। अभी देखिए, गोमूत्र जिस बर्तन में रखा है उसी के साथ आप एक और बर्तन लीजिए और कपड़ा जो है उस बर्तन पे रख लीजिए और गोमूत्र छानना शुरू कर दीजिए। अभी देखिए, ये गोमूत्र मैंने छानना शुरू कर दिया है। एक बार छान लेने के बाद मैं इसी कपड़े को हटा दूंगी और जो कपड़ा यूज़ नहीं किया हुआ है, मतलब गीला नहीं है, वहाँ से वापस गोमूत्र को हम छानेंगे। और इस प्रकार से हम 7 बार इसी कपड़े से अलग अलग जगह से इस गोमूत्र को छानेंगे। गोमूत्र छानने के बाद हम उसमें इक्वल पार्ट या थोड़ा सा उससे ज्यादा पानी अभी ऐड करेंगे। तो देखिए, डाइल्यूट हो जाने के बाद और डाइल्यूट करने से पहले इस प्रकार से आप दोनों गोमूत्र के कलर में अंतर देख सकते हैं और स्मेल भी जो है वो गोमूत्र की थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी आपके मन में सवाल होगा कि गोमूत्र फ्रेश नहीं मिले तो क्या? तो जिस दिन भी गोमूत्र फ्रेश मिलेगा, आपने इस तरह छान के अगर उसको इस तरह की कांच की बॉटल में स्टोर किया और फ्रिज में रख दिया, तो 3 से 4 हफ्ते तक ये गोमूत्र ख़राब नहीं होता और आप इसको रोज़ ले सकते हैं। और अगर फ्रेश गोमूत्र बिल्कुल ही मिलना पॉसिबल नहीं हो तो ऐसे समय में आप गोमूत्र अर्क ले सकते हैं, उसको भी डाइल्यूट करके डेली लेना अच्छा होता है। अभी गोमूत्र कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है? तो गोमूत्र सुबह के वक्त लेना है खाली पेट, पंचामृत, च्यवनप्राश वैसी चीज़ें आप कुछ लेते हो तो उसके पहले ये लेना है। कितनी मात्रा में लेना है? तो कम से कम 20 से 25 ml की मात्रा लेना ज़्यादा बेटर होता है। छोटे बच्चे हो तो आप शुरुआत में उनको कम दे सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाइए। कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग 100-100 ml तक गोमूत्र देने की सलाह देते हैं, पर गोमूत्र में हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी प्रकृति का विचार करके, डॉक्टर के मार्गदर्शन के हिसाब से ही आप लोग गोमूत्र ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रोज़ सुबह लेना मत भूलिएगा गोमूत्र आपके स्वास्थ्य के लिए।